अमीर खुसरो ने कहा था, जैसी जलवायु वातावरण हिंदुस्तान में है वैसे शायद दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने ये बात हमारे गांवों को देखकर ही कही होगी। हमारे गांव ही हमारी पहचान है और ये गांव ही है जो आज भी हमारी लोक कलाओं को सहेजे हुए है, जिनकी सराहना आज पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ही उनसे अनजान हैं। अपनी इन्हीं लोक कलाओं से मुलाकात के लिए हमने गांव जाने का फैसला किया और सबसे पहले हमने चुना बघेलखंड। मारे गरम सोई गई अगन माँ देवरा लख ते बदन माँ भोला माँ पिया नहीं आए लागे रघु रघु देवरा तो मर बहु है राजा राम शारदा कै बहिनी। इस गीत के साथ सैला की पहली प्रस्तुति हुई। दल का नाम था कंचाल बहु। गोंड जाति के कलाकारों द्वारा सैला की प्रस्तुति की गई।
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी उनकी आंचलिक भाषा में सैला की प्रस्तुति करने का अलग अलग प्रचलन है। ये गोंड जाति के लोग अमरकंटक से उज्जैन की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। ये लोग जब अपने दैनिक कार्य के लिए जाते हैं तब सैला गीत गाते और नृत्य करते हैं। सैला की शुरुआत पूजा से होती है। ये लोग प्रकृति, वन देवता तथा प्राकृत देवता की पूजा करते हैं। इनकी मान्यता है कि पूजा के द्वारा ये लोग अपने भगवान से वर्षा की गुहार लगाते हैं। इस प्रस्तुति में जब लड़कियां शामिल होती हैं तब यह रीना नृत्य कहलाती है। कर्मा कई प्रकार के होते हैं। बघेलखंड में कर्मा के तरह तरह के प्रकार हैं। बुंदेलखंड में भी कर्मा होता है। एक कर्मा बारह मासी होता है तो दूसरा कर्मा खास मौके पर गाया जाता है। कर्मा में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। जब पुरुष बाजार जाते हैं तब स्त्री उनसे सवाल पूछती है कि आप बाजार जाओगे तो क्या लाओगे, तो पुरुष इसका उत्तर भी देते हैं। स्त्री और पुरुष जब महुआ बीनने के लिए सुबह सुबह खेतों खलिहानों में जाते हैं तब भी कर्मा गाया जाता है। कर्मा की अपनी विशेषता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पाई जाती है। शेर नृत्य। नृत्य काफी प्राचीन है। ये लोक नृत्य अक्सर मुहर्रम के समय किया जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी इसे करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये नृत्य पूरे गांव में घूम घूम कर किया जाता है। जोशीला नृत्य होने के साथ साथ ये काफी साहसपूर्ण भी है। कई बार इस नृत्य को करते वक्त कलाकार जख्मी भी हो जाता है। ये संपूर्ण नृत्य शेर की मुद्राओं पर आधारित है। शाहूर नृत्य हमें धतूरा ग्राम के कलाकारों द्वारा दिखाया गया। इस नृत्य को अहीर जाति के लोग दीपावली पर करते हैं, इसलिए इसे अहिराई या दिवाली नृत्य भी कहते हैं। ये लोग दीपावली पर सुबह से पूजा करते हैं और झंडे में जैमर, तुलसी, अमरी, तिलमिरा आदि बांधते हैं। भूत प्रेत बुराइयां बीमारियां आदि भगाने के लिए इस झंडे से झाड़ा लगाते हैं। इस नृत्य में जो दोहे गाए जाते हैं उन्हें रामायण तथा कबीर की दोहावलियों से लिया जाता है। मादल, लंगड़िया, घंटी, ढोलकी और घुंघरू इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। भगवा रंग की पगड़ी तथा कमर में चुनरी बांधकर इस पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति अति सुंदर तरीके से दी गई। Thank you.
अहिराई नृत्य, जिसे अहिराई काठी भी कहा जाता है। दरअसल मूल रूप से इसका उद्भव एक युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट से हुआ है, वो मार्शल आर्ट जिसमें लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है। समुदाय जब अपने कुलदेवता की पूजा करता है तब वो गौ पूजन भी करता है। बघेलखंड की क्षेत्रीयता में से गौ जगाना भी कहते हैं। इस दौरान गाय का पूजन अर्चन करने के बाद उसे अच्छे ढंग से चराया खिलाया पिलाया जाता है। और ये सब काम उस गाय का मालिक नहीं करता, बल्कि उस दिन ये काम कोई बाहरी व्यक्ति करता है। और उस दिन इस गाय का सारा दूध उस घर में नहीं दिया जाता जहाँ की वो गाय है, या उसके मालिक को उसका दूध नहीं दिया जाता, बल्कि वो दूध उस व्यक्ति को मिलता है जो उसे चराने ले गया होता है। और ये पूजा किसी समय विशेष में नहीं होती, इसे कभी भी किया जा सकता है, चाहे वो अवसर सुख का हो या दुख का। ये पूजा, ये नृत्य किसी भी अवसर पर किया जाता है। स्वागत हो तो ऐसा, गुदुम की धमाधम तिलक आरती के साथ ग्राम बकुआ में हमारा स्वागत किया गया। हम सब बाजे गाजे के साथ खेतों से होते हुए प्रस्तुति स्थल पर पहुंचे। वहां गुदुम के कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति कर माहौल को चार चांद लगा दिया। गुदुम घसिया जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये लोग सुअर और बकरी के खाल से गुदुम तथा नगरिये का निर्माण करते हैं और उसे बजाते हुए एक से एक कलाबाजियां दिखाते हैं, जिससे ये शानदार लय के साथ आकर्षक भी होते हैं। गुदुम घसिया जाति के लोग बजाते हैं, जिन्हें समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इन्हें गांव में होने वाली शादियों तथा कुछ मौकों पर ही अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिल पाता है। अगर लोक कला के इस आकर्षक रूप को जीवित रखना है तो उपेक्षा से दूर कर इन्हें आगे बढ़ाना होगा। काली नृत्य बघेलखंड के उमरिया में किया जाने वाला यह नृत्य बड़ा ही मनोरंजक होता है। यह नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। जब ज्वार बोई जाती है उस समय इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है। काली नृत्य में एक व्यक्ति काली का रूप धारण करता है और एक व्यक्ति पंडा बनता है और उसके साथ कुछ अन्य कलाकार मिलकर इस नृत्य को और मनोरंजक बनाते हैं। वासुदेवा गीत चंद्रबाबा के वंशजों द्वारा श्रवण कुमार की कथा एवं अन्य कथाओं को वासुदेवा गीत के रूप में गाया जाता है। वासुदेवा गीत रात भर चलता रहता है। सिर पे मुकुट जिसमें भगवान विष्णु जी का प्रतीक चिन्ह होता है और आकर्षक परिधान के साथ इस गीत की प्रस्तुति हुई। राम गंगा के नाम के साथ इस गीत को गाया जाता है। राम नाम का ले ले नाम, जो बोले भगवान का नाम, जय गंगे जय गंगा। इसके अलावा बघेलखंड की कुछ लोक गीतों को सुनने पर हमें मिला बिरहा, जिसमें वीरों की गाथा गाई जाती है।
राम गंगा के नाम के साथ गाई जाने वाली चनैनी, भगवान शिव की वंदना में शिवरात्रि तथा सावन में गाए जाने वाला भोले गीत और फागुन महीने में गाए जाने वाला फगुआ गीत उल्लेखनीय रहा। लागे चैत महीना और रामा दिया नहीं आए। कलाकार जब शरीर से बूढ़ा होता जाता है तब उसकी कला उसके साथ जमा होती जाती है। सीधी में हमारी मुलाकात एक ऐसे ही वयोवृद्ध लोक गायक मोती जोगी जी से हुई, जिन्हें प्यार से सब मोती काकू कहते हैं। मोती काकू बहुमुखी प्रतिभा के धनी, शानदार लोक गायक तथा सारंगी वादक हैं। इनके संगीत में बनारसी घराने की छाप हमें मिलती है। 7 दिन के भ्रमण में मोती काकू हर समय हमारे साथ रहे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में गीतों के माध्यम से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि हमें भी अपने संगीत का ज्ञान बांटा। I'm